सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़े। नमस्कार दोस्त, मैं हूं प्रकाश गावा। इंडेक्स व्यू मंडे 18 मार्च 2024। मार्केट में देखिए हमने गिरावट, लास्ट के 3 घंटे में थोड़ी अपमूव मिला, लेकिन इस अपमूव में कुछ ताकत नजर नहीं आ रही। ये लग तो ऐसे रहा है कि ऊपर गया है नीचे आने, फिर 21,900 जो ये जोन है यहाँ पर संभल सकते, और 21,900 टूटा तो लोअर लेवल देखेंगे कहाँ पर, 21,750। तो ये एक पॉसिबिलिटी डाउनसाइड की है, संभल जाए तो 21,900 में संभल सकता है अगर संभलना चाहे तो। रेसिस्टेंस 22,300 में है, ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ही है, बस इतना ध्यान करना है। और लगता है ये अपमूव में, जैसे कि मैंने कहा है कि इस अपमूव में स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, तो क्वाइट पॉसिबल लोअर लेवल देखेंगे 21,900, मेक और ब्रेक जोन, संभल गया तो ठीक है वरना टूटा 21,750। बैंक निफ्टी क्या लगता है? एग्जैक्टली वही हाल, 46,800 जो हमारा लेवल है वो नहीं, वो टूटा, टूटने के बाद एक गिरावट देखी, थोड़ा अपमूव मिला लास्ट के 1-2-3 घंटे में, लेकिन 2-3 घंटे में कोई ताकत नजर नहीं आती, मुझे तो इसमें वीकनेस नजर आती। इसका मतलब जो हमने पहले मार्क किया ये 46,000 का आंकड़ा, ये लगता है मुझे 46,000 का आंकड़ा, ये अब भी पॉसिबिलिटी है कि ये संभल जाए, लेकिन ये एक संभल लगता है कि यहाँ पर सपोर्ट है। रेसिस्टेंस 46,800, बस दो ही पॉइंट ध्यान करने हैं, एक 46,800 वहां पर रेसिस्टेंस है, अगर थोड़ी गिरावट आई तो 46,000 के करीब एक सपोर्ट मिलता है, बस मार्क कीजिए पॉइंट्स, रीड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान।